महिलाओं के प्रति, यह तो आपत्तिजनक बयान है, यह तो स्वच्छंद है। कोई भी महिला हो, ठीक है वो हिंदू धर्म को मानती है तो सिंदूर लगाती है, हिंदू धर्म के नहीं है तो सिंदूर नहीं लगाती है। वही रहे हैं कि यह बयान बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला बयान है। मांग में सिंदूर न हो और गले में मंगलसूत्र न हो, वो प्लॉट खाली है। आप किस प्रकार से महिलाओं को एक प्लॉट की तुलना, आप माता और बहन को एक प्लॉट की प्लॉट से आप उसकी तुलना एक प्लॉट से कैसे कर सकते हैं? यह आपकी मानसिकता को प्रतीत करता है कि आपका मानसिकता कितना मतलब गिरा हुआ है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को लेके एक विवादित बयान दे डाला है और सीधे तौर पे ग्रेटर नोएडा में उनका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन के दौरान भरी सभा में उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला शादीशुदा है या नहीं है तो उसकी आप पहचान इन माध्यम से कर सकते हैं कि अगर किसी महिला के मांग में सिंदूर ना हो और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझिए प्लॉट खाली है। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जब बिहार में इनकी हनुमान कथा होने वाली थी और उसको लेके तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री का आरती उतारने में लगे हुए थे। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता हैं पुष्कर जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जिस धीरेन्द्र शास्त्री को लोग भगवान का दर्जा दे रहे थे और जो धीरेन्द्र शास्त्री लोगों का भविष्य बताते थे, पर्चा खोलते थे, वो महिलाओं को लेके इस तरह का बयान दिया है। पुष्कर बाबू, ये जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जो बीजेपी के नेता हैं, आरती उतार रहे थे जब पटना आए थे कुछ महीने पहले, अब महिला को लेके बयान दे दिए कि जिनके मांग में सिंदूर ना हो मांग में और गले में अगर मंगलसूत्र ना हो तो समझिए वो प्लॉट खाली, अगर हो तो समझिए कि वो रजिस्ट्री है। नहीं, ये तो गलत बयान है। यह तो ऐसा बयान किसी भी जो कथा के जानकार हैं, सोचिए हिंदू वेद के हिंदू माता बहन उस वेद सभा में थी, जो कहते हैं कि वेद के जानकार हैं और जिस भगवान का वो प्रवचन करते हैं, जिनको कहते हैं कि इनके हम अनुयायी हैं, उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं, जो उनका चरित्र का वर्णन होता है, चाहे गीता के माध्यम से आप कहते हो, चाहे राम कथा के माध्यम से कहते हो, चाहे हनुमंत जी के कथा के माध्यम से कहते हो, उनका कहीं भी कोई ऐसा चरित्र ऐसा नहीं प्रतीत होता है महिलाओं के प्रति। यह तो आपत्तिजनक बयान है, यह तो स्वच्छंद है। कोई भी महिला हो, ठीक है वो हिंदू धर्म को मानती है तो सिंदूर लगाती है, हिंदू धर्म के नहीं है तो सिंदूर नहीं लगाती है। वही रहे हैं कि यह बयान बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला बयान है। जिस प्रकार से उनका मतलब कि लोग के बीच आस्था जा रहा था, लोगों में विश्वास पैदा हो रहा था कि अन्य बाबाओं से हट करके जिस प्रकार से इस देश में बाबाओं का प्रचलन है और उनका कुछ दिन बाद जो उनका जैसे राम रहीम हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनका कहना ही नहीं है कि वो क्या किए नहीं किया, जेल में सड़ रहे हैं। तो एक लोगों को लगा था कि नहीं, वो एक सीमा था वो समाप्त होकर के एक पुनः बाबा आए हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाबा आए हैं जो पर्ची खोलते हैं, बाबा आए हैं जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं और माताओं बहनों के भी मान सम्मान करते हैं। लेकिन उनके इस बयान से तो हमको लगता है कि पूरा देश की माताएं बहने को लज्जित होना पड़ा है। इस प्रकार से कि मांग में सिंदूर न हो और गले में मंगलसूत्र न हो, वो प्लॉट खाली है। आप किस प्रकार से महिलाओं को एक प्लॉट की तुलना, आप माता और बहन को एक प्लॉट की प्लॉट से आप उसकी तुलना एक प्लॉट से कैसे कर सकते हैं? यह आपकी मानसिकता को प्रतीत करता है कि आपका मानसिकता कितना मतलब गिरा हुआ है। आप ठीक हैं, ज्ञानी हैं, आप ठीक है बहुत ज़्यादा ज्ञाता है, आप भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाले हैं, यह मैं मानता हूँ, जैसे कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो दिखवाया नहीं जा करके तो मैं उसका प्रमाण नहीं दे सकता। मैं हर व्यक्ति का सपोर्टर उसके विचारधारा पर होता है। जब मैं उनका समर्थन कर रहा था उस समय तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था, माफ़ी मांगे उस समय तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया था महिलाओं के बारे में। आज उनका विरोध हम तब कर रहे हैं जब उन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया। होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब तो लोग इस देश में कितने समर्थक हैं, उनके कितने विरोधी हैं, डिमांड करते ना FIR करने का। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
इस पर जनमानस तो ठीक है, ये है, कुछ नहीं बोलेंगे। भाजपा के नेता क्यों बोलेंगे? भाजपा के नेता को क्या मतलब है? भाजपा के नेता नहीं, आपको यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ है हम भुला रहे हैं। नहीं अगर नहीं महिलाओं के हम मांग कर रहे हैं। अगर नहीं आप भाजपा के नेताओं के बारे में पूछ रहे हैं तो मणिपुर की घटना जो हुआ, अगर वहां पर भी तो भाजपा की ही सरकार है ना, और दो महीने बाद मतलब कार्रवाई होता है, जब वीडियो वायरल होता है तब पुलिस कार्रवाई करता है तब। तो हमको कहने का मतलब है कि भाजपा अगर महिलाओं के प्रति इतना ही संवेदनशील रहता तो मणिपुर का भी घटना नहीं होता, क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है, मणिपुर में भी आपकी सरकार है। तो जब इतना बड़ा घटना पर भाजपा कुछ नहीं करता है, कल मोदी जी का बयान आया जब वीडियो वायरल हुआ तब, इसका मतलब यही ना है कि गैंग रेप होगा, वीडियो वायरल होगा तब कार्रवाई होगा? इसका मतलब यही ना है कि इस देश में जब महिलाओं को नंगा घुमाया जाएगा और उसका वीडियो वायरल होगा तब कार्रवाई होगा? उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं होगा इस देश में? यही ना आप दिखाना चाहते हैं कि जब वीडियो वायरल होगा, अगर आपका बलात्कार होता है, अगर आपको नंगे घुमाया जाता है रोड पर सरेआम और उसका वीडियो वायरल होगा, तब जाकर के प्रशासन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाने वाले लोग हैं ये सब, ये तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पत्नी भगाओ, अरे वो भी तो किसी की बेटी थी, अपने जिंदगी से काट करके अलग कर दिए। जल रहा है, लगातार हिंसा हो रही है कई महीनों से। देखिए भाजपा का अब 2024 चुनाव आने वाला है, हिंसा होगा, आपको बम कांड होगा, दंगा होगा, हिंदुत्व तब बचेगा तब ना हिंदुत्व की बात होगी। देखिए सीधे तौर पे पुष्कर आनंद जी थे, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है उसको लेके इन्होंने सीधे तौर पे डिमांड कर दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से कई महीनों से मणिपुर में जो घटना हो रही है और कहीं ना कहीं 140 करोड़ की जनता को शर्मसार होना पड़ा है, जिस प्रकार से मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से पूरी घटना हुई है, वीडियो वायरल हुआ, इसको लेके देश के जो प्रधानमंत्री हैं भले ही दुख जाहिर कर रहे हैं लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जो सरकार जिस आस में 2014-2019 में जनता ने इन्हें जिताने का काम किया था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करती है सरकार, लेकिन इन्हीं के राज में किस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और ये जो गुंगी बहरी सरकार है वो पूरे तरीके से मौन थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद सरकार इसको लेके कहीं ना कहीं जो तत्परता दिखाई और सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन भूमिहार एकता मंच ने सीधे तौर पे जो भाजपा की सरकार है उस पर निशाना साधने का काम किया और कहा है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। रोहित, दर्शन न्यूज पटना।